नमस्कार, मैं शैलेश तिवारी इनसाइड स्टोरी इंडिया के लिए आज उन तीन कृषि कानूनों के बारे में बात करेंगे जिनको लेकर पिछले 26 नवंबर से किसान आंदोलित हैं। दिल्ली के आसपास उन्होंने घेरा डाल रखा है। हम बात करते हैं पहले किसान के उन कानूनों की जो केंद्रीय सरकार ने हाल ही में सितंबर के महीने में लागू किए हैं। पहली बात अगर हम करें कि किसान, सरकार का यह दावा है कि किसान को इन बिलों से आजादी मिलेगी और वो उन्मुक्त होकर अपना कृषि उपज का व्यापार कर पाएगा। दूसरी तरफ किसान जो आंदोलित हैं उनका दावा यह है कि ये काले कानून हैं और इससे हमारी खेती समाप्त हो जाएगी। जो मंडी की व्यवस्था जिन जिन राज्यों में लागू है वो व्यवस्था आने वाले समय में चौपट हो जाएगी। इस तरह के तमाम विरोधाभास के बीच हम जब ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सच क्या है, तो सच जानने की एक कोशिश इनसाइड स्टोरी भी आपके लिए लेकर आई है। पहला, जब सरकार ये कहती है कि किसान इस समय बदहाली का, आर्थिक तंगी का और कहीं कहीं तो शायद भुखमरी का भी शिकार होकर पिंजरे का वो पंछी बना हुआ है कि जिससे उसको अभी तक किसी सरकार ने आजाद करवाया ही नहीं, वर्तमान सरकार ये दावा करती है कि इन तीन कानून के लागू होने के बाद किसानों की वो बदहाली खत्म होगी, आर्थिक तंगी से उसको छुटकारा मिलेगा और भुखमरी तो देश में कहीं देखने को नहीं मिलेगी किसानों को लेकर। अब सरकार का दावा यह कि हम पिंजरे में कैद किसान रूपी पंछी को व्यापार के उन्मुक्त आकाश में उड़ान भरने की सहूलियत दे रहे हैं इन कानूनों के जरिए, और किसान का दावा यह है कि वो सरकार के दावे के हिसाब से अगर कहें तो ये कह रहा है कि मुझे पिंजरे में बंद रहने की इतनी आदत हो गई है कि मैं अपनी उड़ान भूल चुका हूं। दूसरा, किसान अपनी तरफ से यह दावा करता है कि हम जिस पिंजरे में कैद हैं, हमें हुजूर उस कैद में रहने की इतनी आजादी, इतनी आदत हो गई है कि हम आजादी की हवा में उड़ान भरने के काबिल नहीं रहे हैं, इसलिए हमें कैद ही रहने दिया जाए। शायद और भी तरह की आशंकाएं होंगी जिनको लेकर आंदोलित किसान और उनके किसान नेता ये बात कह रहे हैं कि तीनों कानून जब तक रद्द ना होंगे तब तक हम मोर्चों पर डटे रहेंगे। उनका तो यहां तक भी कहना है कि हम अपने साथ इतना राशन पानी लेकर आए हैं कि सरकार इसको अगर एक महीना चलाएगी तो हम एक महीना आंदोलित रहेंगे, सरकार अगर हमारी बात 6 महीने तक नहीं मानेगी तो भी हम घर लौटकर जाने वाले नहीं हैं, इतना राशन पानी हमारे साथ आया है। और जिनके साथ नहीं आया है, हमारे पीछे रह गए साथी, उन तक वो व्यवस्था मुहैया करवा देंगे। अब इन तमाम के बीच में हम पहली बात करते हैं कि सरकार का ये दावा है कि किसान को इससे अपनी कृषि उपज बेचने की वो आजादी मिलेगी जिसको अभी बिचौलिए लेते थे, आढ़तिये लेते थे और कम दामों पर लेकर ऊंचे दामों पर बेच देते थे, इससे किसान को फायदा नहीं होता था। अब सरकार के दावों के मुताबिक अगर माना जाए तो यह है कि अब किसान के पास ये आजादी है कि वो अपनी उपज को सीधे सीधे कहीं भी बेच सकता है, अपने ब्लॉक के बाहर, अपने जिले के बाहर, अपने प्रदेश के बाहर, पूरे देश भर में उसके लिए आजादी है कि जहां उसको अपनी उपज का उचित मूल्य मिले, ज्यादा मूल्य मिले, वहां पर जाकर वो बेच सकता है। दूसरी तरफ किसान जो हमारे आसपास हैं वो भी, और जो किसान नेता हैं वो भी ये बात कहते हैं कि कई किसानों की, लगभग 70% किसानों की ये हालात हैं कि वो अपनी उपज
जब अपने खेत में पैदा कर लेता है तो वहां से लेकर एपीएमसी कृषि उपज मंडी समिति के प्रांगण तक ले जाने के लिए उसको काफी मशक्कत करना पड़ती है, शारीरिक भी, आर्थिक भी और मानसिक भी। तब कहीं जाकर वो मंडी पहुंच पाता है जहां पर आढ़ती उसकी कृषि उपज का अपना मनमाना दाम लगाते हैं और खरीद कर ऊंचे दामों में बेच देते हैं। तब उस व्यावहारिक स्थिति की अगर हम गणना करें तो क्या यह संभव नहीं होगा कि किसानों को फिर कोई बिचौलिया उसको अपने चंगुल में ले लेगा? वो बिचौलिया गांव का पटेल भी हो सकता है, क्षेत्र का कोई बड़ा जमींदार भी हो सकता है, अथवा कोई पूंजीपति भी हो सकता है। दूसरी बात, कृषि उपज मंडी समिति में अभी जो वर्तमान में व्यवस्थाएं हैं उसके हिसाब से किसान का मूल्य चुकाने पर ही उसको बाहर जाने दिया जाएगा, यानी किसान को, कब? जब उसकी माल यानी कि कृषि उपज नीलाम हुई, नीलामी के बाद तोली और तुलने के बाद तुरंत बाद उसको भुगतान करना है। अगर भुगतान नहीं करता है और किसान जाकर अपनी शिकायत को मंडी कमेटी के कार्यालय में दर्ज कराता है तो संबंधित व्यापारी पर कार्यवाही कृषि उपज मंडी समिति करेगी, जिसका संचालन राज्य का कृषि बोर्ड करता है। अब नए कानून में ये व्यवस्था बदलेगी तो नए कानून में अभी तक ये प्रावधान नहीं है कि जो किसान की उपज का मूल्य खरीदेगा वो व्यापारी होगा अथवा ना होगा, आढ़तिया होगा अथवा ना होगा, वो केवल एक पैन कार्ड धारी होने पर ही व्यापारी होने का लाइसेंस पा जाता है। अब वो बहुत सारे किसानों का उपज खरीद लेता है, उपज खरीदने के बाद इकट्ठा करता है, उसको ट्रक में लादता है और रातों रात फरार हो जाता है, तब किसान क्या करेगा? इसको लेकर कानून कुछ नहीं कह रहा है जो वर्तमान में लागू किया गया है, और यही किसान का दर्द है, उस पिंजरे के पंछी का दर्द है जिसको सरकार ये बता रही है कि ये वो पिंजरे का पंछी है जिसके दर्द के निवारण के लिए हम ये तीन दवाएं कानून के रूप में लेकर आए हैं। दूसरा, किसान अपनी कृषि उपज का मनचाहा भंडारण कर सकता है अथवा उस कृषि उपज का भंडारण वो भी कर सकता है जिसके जो उस कृषि उपज को खरीद रहा है। अब इस पर अगर बात की जाए तो हम व्यावहारिक रूप में अगर बात करते हैं तो ये पाते हैं कि किसान के पास अपनी कृषि उपज भंडारण करने के लिए पर्याप्त गोदाम नहीं है अथवा कोई ऐसा गोदाम भी नहीं है जहां पर वो अपनी उपज के मूल्य बढ़ने तक का इंतजार करने के लिए उसको रख दे। जब उसको उस गोदाम में वो रख नहीं पाएगा या रखेगा भी तो उस पर इतना भाड़ा लग जाएगा, इतना गोदाम का किराया लग जाएगा कि वो ये वेयर हाउस के मालिक से ये कह देगा कि आप ही मेरी कृषि उपज का नीलामी कर लीजिए, आप ही बेच लीजिए। उस परिस्थिति में जो वेयर हाउस के मालिक को घाटा हो रहा है उसको लेकर अथवा किसान जो अपने कृषि उपज खुद उपजाई पैदा करी और उसको वहाँ गोदाम में रखने के बाद किराया न चुका पाया और वो उसका परिवार आर्थिक बदहाली का शिकार हो गया, इसको लेकर भी कानून खामोश है। तीसरी और बात अगर हम करें तो हम उस मुद्दे पर जाएंगे जहां पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की जा रही है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी कि अनुबंध के तहत किसान को यह कह दिया जाएगा कि हम आपका भविष्य में इस कृषि जो आप गेहूं लगा रहे हैं अथवा चना लगा रहे हैं, सोयाबीन लगा रहे हैं, चावल लगा रहे हैं अथवा और अन्य प्रकार की कृषि उपज आप अपने खेत में जो उपजाने वाले हैं उसका भविष्य में ये मूल्य होगा और आपको इतना मूल्य हम चुका देंगे। अब ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद अगर वो जो व्यक्ति है, जो कंपनी है अथवा जो भी संबंधित व्यक्ति है, वो भविष्य में उस कृषि उपज का जो उसके बीच में करार हुआ था दाम कम हो जाता है और वो लेने से इनकार कर देता है, तब किसान कहां जाएगा?
उसको लेकर कहा जा रहा है कि वो एसडीएम कोर्ट में जा सकता है। एसडीएम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ डीएम के कोर्ट में अपील होगी। इस पर किसानों का ये कहना है कि एसडीएम और डीएम जो भी हैं वो पूंजीपति के इशारों पर नाच सकते हैं, तो क्यों ना हमें सिविल कोर्ट में जाने की आजादी दी जाए। सुनने में समझने में तो ये बात उनकी उचित लगती है। अब सरकार को किसान की ये बात कितनी उचित लगती है, सरकार कितना उसको मानती है, ये कल की जो हमारी पांचवें दौर की बैठक होगी केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच में, तब वहां पर ये निश्चित होगा। एक और बात कि कहीं कहीं ये भी कहा जा रहा है कि किसान अपनी जमीन को, जो छोटे छोटे किसान हैं 2 हेक्टेयर से कम वाले, वो अपनी जमीन को किसी को रेंट पर भी दे सकते हैं, यानी लीज पर दे सकते हैं, लीज पर देकर उसके व्यापार में हिस्सेदार बन सकते हैं। अब हिस्सेदार बनने में उसको 20%, 25%, 30%, 40%, 50%, 50% से ज़्यादा संभवतः कोई भी पूंजीपति किसी भी किसान को अपना हिस्सेदार नहीं बनाएगा। अब जहां वो 100 रुपये कमा रहा था, वहां उसे 50 रुपये में अपने परिवार की गुजर करना है, ये कहना है उन किसानों का जिन्होंने इस चीज को समझा है। तब क्या होगा, इस बारे में भी अभी तक कानून में कोई उल्लेख नहीं है कि तब किसान क्या करेगा और कैसी परिस्थिति में करेगा। इन सब एक और विशेष बात जो हमारे किसान भाइयों को ज्यादा आशंकित कर रही है, सभी किसान नेताओं का यह कहना है कि इन 3 कानून के लागू होने के बाद जो उनको सरकार की तरफ से MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है, वो मूल्य नहीं दिया जाएगा और उनकी कृषि उपज औने पौने दामों में बिकने पर मजबूर होगी। जबकि इस बात को लेकर सरकार के प्रतिनिधिमंडल का और विशेषकर हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का ये कहना है कि MSP व्यवस्था जारी थी, जारी है और जारी रहेगी, लेकिन किसान इसको लेकर बहुत आशंकित है और उसकी आशंकाओं को और भी बल तब मिल जाता है जब वो ये जान कहता है कि इस कानून के लागू होने के बाद जिन राज्यों में भी कृषि उपज मंडी यानी APMC की व्यवस्था लागू है, ये APMC की व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी और फिर किसान मजबूर होंगे उन खुले व्यापारियों के हाथों से लूटने के लिए जो आजाद होंगे, जिन पर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं होगा। इस पर अगर आपको याद हो तो 4th दौर की बैठक समाप्त होने के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह कहा था कि हम मंडी व्यवस्था को कमजोर नहीं होने देंगे, वो और सशक्त हो, इसको लेकर हम विचार करेंगे। ये बात भी किसानों की उस आशंका को और बलवती करती है कि अभी तक सरकार ने इस बारे में कोई विचार नहीं किया है। हालांकि सरकारी दावा तो यह है कि किसान के लिए कृषि उपज मंडियां खुली रहेंगी, उनको खत्म नहीं किया जा रहा है। दूसरी किसान नेता का एक और कहना है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा लागू किया जाता है और जो हमारी कृषि की लागत आती है, उन दोनों में भारी अंतर है। अब उस भारी अंतर को समझाने के लिए वो एक उदाहरण देते हैं कि 2001 में जो कृषि उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा घोषित किया गया था उसको आधार बनाया जाए और उस वर्ष में जो खेत की 1 एकड़ के रकबे में फसल उगाने की लागत आती थी, चाहे वो गेहूं की हो, चने की हो, सोयाबीन की हो, बाजरा की हो, ज्वार की हो, मक्का की हो अथवा किसी और अन्य जींस की हो, इन सारी जींस में जो लागत आया करती थी उस लागत को आधार माना जाए। आज जब हम 2020 में ये बात कर रहे हैं तो न्यूनतम समर्थन मूल्य 2001 की तुलना में कितना बड़ा और 2001 की तुलना में जो पर एकड़ प्रति एकड़ कृषि की लागत थी वो कितनी बड़ी। किसानों का तो दावा है
कि 55% से लेकर 110% तक खेती की लागत बढ़ी है जो प्रति एकड़ उनको भुगतना पड़ रही है, और उसकी तुलना में जो सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करती है वो बहुत कम बढ़ा है। दोनों में बहुत अंतर आ चुका है। अब इस बारे में किसान नेताओं का ये भी कहना है कि सरकार को अब जो भी न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो खेती की लागत से जोड़ देना चाहिए, कि जैसे जैसे जितने परसेंट में खेती की लागत बढ़ती जाए उतने परसेंट में उसका एमएसपी भी बढ़ता जाए, ताकि उसको वो लाभ मिलता रहे जिसके लिए सरकार हमेशा अपने इरादे गंगा जल की तरह पवित्र बनाती रही है। से जुदा होकर अगर हम पूरे बात करें किसान आंदोलन की, तो किसान आंदोलन को हमारा जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है, जो मुख्य धारा का मीडिया है, वो तरह तरह के आरोपों से आरोपित कर रहा है। क्या हमारे अन्नदाता की यही नियति है? उसकी किस्मत में क्या यही लिखा है कि वो आपका पेट भी भरे और जब उसके अधिकारों पर, अधिकारों के लिए जब वो मांग कर रहा हो तब आप उसको कुछ और बता दें, चाहे उसके लिए विदेशी ताकतों का कठपुतली बता दें अथवा विपक्ष के इशारों पर नाचने वाला किसान बता दें, ये उचित नहीं। अगर किसान आंदोलित है, किसान का आंदोलन इस बात से भी लगाया जा सकता है कि केंद्र सरकार और उसका प्रतिनिधि मंडल किसानों के प्रतिनिधि मंडल से लगातार बातचीत कर रहा है। अगर केंद्र सरकार को जरा भी शंका होती कि ये विदेशी ताकत के इशारे पर हो रहा है, तो हमारी सरकार इतनी अक्षम, इतनी कमजोर नहीं है कि वो उन विदेशी ताकतों के हाथ ना काट पाए। दूसरा, अगर हम किसानों को विपक्ष की कठपुतली बता दें तो ये भी संभव नहीं है, क्योंकि अभी तक जितने भी किसान नेता उस आंदोलन से जुड़े हुए हैं उन सब ने एक स्वर में ये बात कही है कि हम किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं चाहते हैं। उनकी ईमानदारी, उनकी वफादारी, उनके अपने मिट्टी से जुड़ाव का अंदाज इस बात से भी लगता है कि जो 5 दौर की बातचीत अभी तक केंद्र सरकार और किसानों के बीच में हुई है, वहां पर जब जब भी दोपहर का भोज हुआ है, जिसको वर्तमान में लंच कहा जाता है, लंच किसानों ने वो लिया है जो उनके लंगर में बना था। उन्होंने सरकार का नमक नहीं खाया, सरकार का अन्न नहीं खाया, जो ये भी बात साबित करता है कि हम तब तक आपका अन्न नहीं खाएंगे जब तक कि आप हमारी मांगे मान नहीं लेते। इसके पीछे जब एक किसान नेता से टेलीफोन पर चर्चा हुई तब उनने बताया कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा बनेगा मन वैसे होंगे विचार, जैसा होगा विचार वैसा होगा कर्म, और जैसा होगा कर्म वैसा आएगा फल। तो सरकार का अन्न अगर हम खाते हैं तो हम उन्हीं की तरह सोचने लगेंगे, इसलिए हम उस अन्न से अपने आप को दूर बनाए हुए हैं। हम अपना खुद का उपजाया हुआ, अपने साथियों का लाया हुआ अन्न ही खा रहे हैं। अब देखना यह है कि सरकार कितना झुकती है अथवा किसान कितना झुकते हैं। और इन 3 कानूनों को लेकर कल यानी मंगलवार 8 दिसंबर 2020 को जब किसानों ने ये घोषणा कर रखी है कि भारत बंद किया जाएगा, तो इस बंद का असर निश्चित रूप से उन प्रदेशों में ज़्यादा होगा जो गैर भाजपा शासित हैं, उन प्रदेशों में कम दिखाई देगा जो भाजपा से शासित हैं। इसको हम राजनीतिक दलगत नहीं देख रहे हैं, पर चूंकि अभी जितनी भी चर्चाएं चल रही हैं उन चर्चाओं का हम केवल आपके पास लब्बोलुआब पहुंचाने का प्रयास भर कर रहे हैं। अब इस प्रयास में हम कितने सफल हैं कितने असफल हैं ये बताएगा आपका लाइक जो आप इस वीडियो को देखने के बाद करेंगे। और दूसरी, आप सभी से एक और निवेदन कि आपने अगर इनसाइड स्टोरी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, और आने वाले हमारे सभी इस तरह के जो दिलचस्प एपिसोड हैं उनको पाने के लिए बेल आइकन दबा दें यानी घंटी दबा दें।
ताकि आपके पास निश्चित समय पर हमारी बात पहुंच सके। और हमारी कोशिश यही है कि आपको हम एक ईमानदार पत्रकारिता से जोड़ सकें। नमस्कार, भारत माता की जय।